बात यूपी की करते हैं। विधानसभा के बाहर किसानों ने आलू फेंक कर विरोध किया है। आलू की कम कीमत के विरोध में ये आलू फेंके गए हैं। किसानों की मांग है कि 10 रुपए प्रति किलो आलुओं की कीमत की जाए। अभी 4 रुपए की कीमत से आज आलू मिल रहे हैं किसानों को। बड़ी खबर यूपी से, जहां पर विधानसभा के सामने किसानों ने आलू फेंके हैं। आलुओं की कम कीमत को लेकर विरोध कर रहे हैं किसान। अभी 4 रुपए की कीमत से मिल रहे हैं किसानों को आलू। विधानसभा के बाहर किसानों ने आलू फेंक कर प्रदर्शन किया है, कम कीमत को लेकर विरोध कर रहे हैं। अखिलेश सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये किस तरीके का प्रदर्शन है, विधानसभा के सामने किसानों ने आलू फेंक कर विरोध किया है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने किसानों का यह दूसरा ऐसा विरोध प्रदर्शन है जिसमें पहली बार किसानों ने गन्ने की होली जलाई थी। ये करीब 2 महीने पहले की घटना है जब किसान यहाँ गन्ने को ट्राली में भर के लेकर पहुंचे थे और उन्होंने होली के रूप में जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था किसानों के दाम बढ़ाने की और वन्य बाकी फैसलों को लिया था जो भुगतान नहीं हुआ था। अब ये दूसरी घटना सामने आती है कि किसान अपने आलुओं को ट्राली में भरकर लाते हैं, उत्तर प्रदेश विधान भवन के बाहर आके उनको उलट देते हैं। उलटने के बाद अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग करते हैं कि किसानों को जो आलू के दाम मिल रहे हैं वो सरकार ने जो घोषणा की थी कि किसानों के जो आलू बेचे होंगे वो बिचौलिए नहीं खरीदेंगे, वो सीधे बेच सकते हैं और उनको बिचौलियों से बिकने वाले दामों से कई गुना ज्यादा दाम मिलेंगे आलू के, लेकिन किसानों के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी को नाराजगी व्यक्त करने के लिए और अपनी बात उत्तर प्रदेश सरकार से कहने और उनको वो बात समझाने के लिए किसान पहुंचे हैं कि आलू के दाम उनको वो मिलने चाहिए जो वाजिब होते हैं, जो सरकार ने घोषणा की थी। सरकार ने उनसे वादा किया था कि आलू के दाम मिलेंगे, लेकिन उनके आज भी दाम है 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के रूप में बिचौलिए खरीद रहे हैं। उनका आलू सीधे केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है, मंडी में उसकी खरीदारी नहीं होती है, जबकि मार्केट में वही आलू 10 से 12 रुपए प्रति केजी बिक रहा है। इसके चलते किसानों के अंदर नाराजगी है, सरकार के प्रति नाराजगी है। उत्तर प्रदेश सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि आलू के दाम बढ़ाए जाएं और आलू के जो खरीद केंद्र हैं वहां पर दामों को उनको सीधा भुगतान मिले, वो सीधे अपने आलू को बेच सकते हैं जो उनको करीब 10 रुपए मार्केट में बेचना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है लोगों को, वो उनके दाम 4 रुपए और 3 रुपए मिल रहे हैं। अखिलेश, ये किसानों का अपना तरीका है विरोध करने का, इसके जवाब में सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया किसानों को? अभी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि की तौर पर कोई भी विधानसभा भवन या कोई भी अधिकारी और प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है जो किसानों को उनकी बात उनकी सुनता और उनकी सही बात का उनका सही जवाब देता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर किसानों तक आएगा और उनकी बात सुनेगा और उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो वाजिब मांग है कि आलू के दाम सही मिले उस पर वो उनको आश्वासन भी देंगे। तो अभी किसान वहां डटे हुए हैं विधानसभा के सामने या फिर विरोध कर वो चले गए? अभी अभी विधानसभा के सामने उन्होंने जो आलू ट्राली से लेकर आए थे वो उलट दिए थे। वहां पर अभी किसान भी शांतप्रिय तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का प्रतिनिधि कोई आए, उनसे बात करें और उनके जो वाजिब दाम की वो मांग कर रहे हैं उसका आश्वासन ले। और उनका किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार का प्रतिनिधि जब तक उनसे कोई बात नहीं कर पाया तब तक किसान यहाँ से अपनी बात कहे बिना वापस नहीं लौटेंगे। बिल्कुल अखिलेश, जल्द लौटते हैं आपके पास दूसरी खबर के लिए। आज मैं इधर से निकल रहा था तो बहुत आलू पड़ा है रोड पे, पता नहीं किसने छोड़ा है, किसानों ने छोड़ा है। क्या बंदे किसने छोड़ा होगा? ये व्यापार मंडल ने आलू की, पुराना आलू है ये, किसने छोड़ा होगा ये पता नहीं भाई साहब, ये कौन छोड़ा है, किसान ही छोड़ा होगा। यहाँ से कटाई पुल तक आलू पूरा पड़ा है।